नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूपम खाना खजाना चैनल पर, जहां आपको मिलती है अलग और आसानी से बनने वाली रेसिपीज। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ साग की रेसिपी शेयर की है, जो कि बहुत आसान तरीके से बनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर मैंने लिया है चौलाई का साग, मैंने फ्रेश साग का यहाँ पर यूज़ किया है और ये साग आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको ये साग नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह दूसरा साग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर सेम है। तो ये देखिए, मैं ऐसे साग को ले रही हूँ, छांट रही हूँ और उसके साइड साइड से डंठल हटा रही हूँ और जो लीव्स है उसी को बस रखना है। ये देखिए, इसको मोटी डंडी को हटा दिया है मैंने। आप इसको अब इकट्ठा कर लीजिए और इसके बाद आपको करना ये है कि आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, देखिए इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश बाथू के साग, ये भी आपको इजीली मिल जाता है। तो इसका आपको एक गुच्छा लेना है और उसके बाद इसको भी आपको छोटा बारीक कट कर लेना है। इसलिए कट करना है ताकि इसमें जो कुक होने में टाइम ना लगे और ये फटाफट बन जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और भूल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो इसको भी देखिए मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है आपको। उसके बाद आपको इसको अच्छे से धो लेना है ताकि जो इसकी मिट्टी है वो निकल जाए, क्योंकि साग में ऑब्वियसली थोड़ा डस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए है 4 से 5 प्याज, उसको ऐसे छोटा छोटा आपको ये भी प्याज को भी कट कर लेना है। और यहाँ पे 7 से 8 मैंने ये गार्लिक लिया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन चिली लिया है। तो ये देखिए, मेरा तेल यहाँ पे पहले से ही गर्म था, अब इसमें मैं मिर्ची और लहसुन ऐड कर दूँगी ताकि ये थोड़ा इसको हल्का सा ये भुन जाए। ये देखिए, इसमें ऐड कर देना है। अब आपको इसमें ऐड करना है सूखी लाल मिर्च, यहाँ पे मैं 2 से 3 सूखी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी आपको इसमें डाल देना। देखिए तेल गरम है तो इसी टाइम पे हम यहाँ पे प्याज भी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने 4 से 5 जो प्याज काटे थे बारीक, उसको यहाँ पे कर लेना। आपको ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है, थोड़े बड़े बड़े ही रहने दीजिए। उसके बाद हम इसे ऐसे करके भून लेंगे। आपको इसको भूनते ही रहना जब तक ये थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर ना दे दे अपना। ये देखिए, इसको अच्छे से भून लीजिए। अभी मैं इसको भून ही रही हूँ, 3 से 4 मिनट तक आपको चलाते रहना है। अब ये देखिए, अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद जो हमने साग काटा था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत आसान तरीका होता है साग बनाने का और फटाफट बन भी जाता है। यहाँ पे सारे साग को ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको आप एक बार अच्छे से मिला लीजिए और इसको आपको इस टाइम पे फ्लेम जो है हाई ही रखना है। जब तक आप खुद से इसको भून रहे हैं तब तक आपको फ्लेम हाई रखना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी है। उसके बाद इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी। मैं यहाँ पे इसलिए ढक के छोड़े जो इसका पानी है वो निकले और अच्छे से सूख जाए। तो इसको आपको एक बार बीच में भी हटा के देख लेना है ताकि ये जले ना, और एक बार अच्छे से मिला लीजिए। कभी कभार हो जाता है कि जल भी जाता है, तो इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए। और फ्लेम आप हाई रख सकते हैं या तो फिर मीडियम रख सकते हैं। तो देखिए, इसमें अभी आपको दिख रहा होगा बहुत सारा पानी है, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे जो अभी पानी है, इसके पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, आपको थोड़ा और इसको सुखा लेना है। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ही पानी रह गया है, तो इस टाइम पर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नमक। तो आप नमक यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक यूज़ किया है। और इस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है ही अभी, तो आप इसको ढक के भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको अपने ऐसे बीच बीच में चला भी सकते हैं। तो आप इसको, मैं यहाँ पे ऐसे खुला छोड़ रही हूँ और ऐसे अपने हाथों से ही इसे बार बार चला रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, पूरी अच्छी तरीके से ये सूख चुका है। और ये बस इसमें 3 प्रोसीजर थे, ये पूरी तरीके से तैयार है। इसमें बिल्कुल मेहनत भी नहीं लगी और ये फटाफट बन भी गया। अब चलिए, अब इसे हम सर्व करते हैं। यहाँ पे आप चावल के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी आसान सी रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही असल अलग रेसिपीज़ मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।